मजा खींचूंगा, सवाल पूछूंगा। पहले छूट के बाद सिलेंडर फोड़ दूंगा, इस कमरे में सारे के सारे मर जाएंगे। आप पुल के स्ट्रक्चरल इंजीनियर थे, पुल के डिजाइन में कोई गड़बड़ी थी? नहीं, डिजाइन में कोई गड़बड़ी नहीं थी। फिर? नहीं था, सब स्टैंडर्ड मटेरियल, जल्दबाजी, पोर कॉलम सपोर्ट, यहाँ तक कि व्हीकुलर ट्रैफिक की कैलकुलेशन भी नहीं दी गई थी। क्यों? क्योंकि एक्चुअली मैं आपसे नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ। आप ठेकेदार हैं ना पुल के, आपने बहुत पुल बांधे हैं, इस पुल में क्या गड़बड़ी हुई थी? गलती हो गई हमसे। गलती हो गई? बहुत खिलाना पिलाना पड़ा, इसलिए हुई। इसको खिलाया? इसको खिलाया? कुर्सी बैठे हो कि नहीं बैठे हो, दूसरा बैठा हो, दुकानदारी चलती रहती। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है तो अपोजिशन ठेकेदार, करोड़ों अरबों का ठेका है, अकेले से नहीं होगा। हाँ तो फिर 120 करोड़ के बारे में सोचने का टाइम कहाँ होगा? 120 करोड़, मैच गड़बड़ है तुम्हारा, बटे हुए हो तुम लोग, धर्म जाति प्रांत,
हम फिगर्स एनालाइज करते हैं। 120 करोड़ नहीं, टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए, लकड़ी का बंडल नहीं, अलग अलग लकड़ियां जो टूट जाती हैं आसानी से, तभी तो हम तुम्हें। जूतियों के नीचे रौंदते हैं हम तुम्हें। तो ये कोई स्कैम स्कैम नहीं है, ये असल में आप लोगों का प्राइमरी धंधा है, राइट? लेकिन हम लोगों को खुश करने के लिए भी तो आप बहुत कुछ करते हो। हाँ, यूनिफॉर्म तक पहनते हैं, देखो जींस पहने हुए हम में से किसी को देखा है कभी आज तक? और पार्लियामेंट जाते हैं, असेंबली जाते हैं, वहां जाके बहस करते हैं, धूप में गर्मी में भाषण देते हैं और वोट भी तो मांगते हैं। जो अच्छे हैं, ऑनेस्ट हैं, उन्हें साइड कर देते हैं। वो तो बस डेकोरेटिव पीस है हमारे लिए। पावर उन्हीं के हाथ में है जो कमा के दे सके। और वैसे गलती तो तुम्हारी है, हम सपने दिखाते हैं लेकिन तुम देखते हो सच्चाई दिखती नहीं है। सड़क कहां से बनेगी सबसे पहले पता हमें चलता है, तो आसपास की बेनामी जमीनें हम ही खरीदते हैं, हम ही सरकार को बेचते हैं और हम ही प्रॉफिट कमाते हैं। और डिटेल में जाऊं क्या? मैंने तो अपना पॉलिटिकल करियर अपने बेटे के लिए कुर्बान कर दिया है, लेकिन लेकिन धंधा बंद नहीं होगा। प्राइमरी बिजनेस कहा ना तुमने, प्राइमरी बिजनेस। और ये डंडा, पुलिस, कॉन्स्टिट्यूशन, वो बस तुम लोगों को डराने के लिए। बस ठीक है, खुश, जीत गए तुम, हैप्पी एंडिंग। हैप्पी एंडिंग, मेरा तो सब खत्म हो गया, मेरे तो किसी काम की नहीं है बातें। लेकिन जो लोग सुन रहे हैं, शायद आज नहीं कल नहीं, 5-10-15 साल बाद शायद कुछ।